हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी झारखंड की 24 कंपनियों के ठगे निवेशकों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, जानकारी यह है कि अब से 3 महीने पहले सीबीआई ने कहा था कि चिटफंड में जिनका पैसा जमा है और वो सामने नहीं आना चाहते तो लिफाफा पोस्ट कार्ड के जरिए सूचना दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच दी। जी हाँ दोस्तों, नियुक्त की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड वासियों के करोड़ों की चपत लगाई गई थी। धनबाद संताल से लेकर कोहलान वासियों के तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की गई थी। चिटफंड घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी। उसके आधार पर आप लोगों से जानकारी सीबीआई ने मांगी थी। तो दोस्तों, आज उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने है। धनबाद सीबीआई की टीम 24 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जांच कर चुकी है। इस मामले में अब तक 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें धनबाद, दुमका, जामताड़ा, कोडा, पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित चिटफंड कंपनियों से पूछताछ की गई है। जांच में क्रम से पता चला है कि चिटफंड में पैसा जमा करने वाले ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं। सीबीआई ग्रामीणों की खोजबीन कर दस्तावेज जुटा पाई है। कई ग्रामीण खुद सीबीआई को दस्तावेज के साथ विस्तार पूर्वक जानकारी दे चुके थे। सीबीआई का कहना है कि चिटफंड में जिनका पैसा जमा है और वह सामना नहीं आना चाहते तो अब भी हमें पोस्ट कार्ड लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये गरीब निवेशकों का पैसा जालसाजी से ठगा गया है, जो सबसे ज्यादा झारखंड में इसका जाल फैला हुआ था। तो दोस्तों, ये 24 चिटफंड कंपनियों की जांच धनबाद सीबीआई की टीम ने 24 चिटफंड कंपनियों के नाम पर जमा राशि की जांच की है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार धनबाद, कोबरो, गिरहिट, जामताड़ा, कोढ़ा, टुमका, देवघर, रांची, हजारीबाग, चाईबासा, रामगढ़ और जमशेदपुर के लोगों ने 24 चिटफंड कंपनियों में अपना पैसा जमा किया था दोस्तों। और जिन कंपनियों को सीबीआई ने इस वक्त अपनी जांच पर, जी हाँ दोस्तों, लिया है और उसकी इस वक्त जो सीबीआई द्वारा जांच चल रही है, उन कंपनियों के नाम हम आपको, चिटफंड कंपनियों के नाम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि आपकी कंपनी भी तो कहीं उन कंपनियों में नहीं। ये 24 कंपनियों के नाम आपके सामने हम बताएंगे दोस्तों, जिनका पैसा मिलना सुनिश्चित कर लिया गया है। सबसे पहले नंबर पर साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड है, और दूसरे नंबर पर अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड। यहाँ दोस्तों, ये दो बड़ी कंपनियों के नाम सबसे ऊपर है। तीसरी कंपनी है धनोला टली डेवलपुर लिमिटेड, और चौथी है संकल्प ग्रुप ऑफ कंपनीज, और पांचवी वारिड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठी रा ऑफर ऑफ कंपनीज, और सातवीं सनशाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, आठवीं एलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, नवी गीतांजलि उद्योग लिमिटेड, दसवीं एमपी एग्रो एनिमल्स प्रोडक्ट लिमिटेड, और ग्यारहवीं केयर विजय म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, 12वीं मातृभूमि रोफर ऑफ कंपनीज, और 13वीं वर्धमान सनमार्ग वेलफेयर सोसाइटी, और 14वीं अपना परिवार एग्रो फार्मिंग लिमिटेड डेवलपमेंट, और 15वीं रोफर ऑफ कंपनीज रिलेटेड मार्केट लिमिटेड, और 16वीं हार्मोन रिसोर्स मैनेजमेंट लिमिटेड, वसुंधरा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, 17वीं क्यू एंड विजय होटल एंड रिसॉर्ट इंडिया लिमिटेड, 18वीं अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, और 19वीं गोल्ड माइन ग्रुप ऑफ कंपनीज।
गोल्ड माइन इंडस्ट्री लिमिटेड और बीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड रियल इंडिया लिमिटेड, 21वीं इनोरामस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और 22वीं है स्वामी रियल इस्टेट इंडिया लिमिटेड और 23वीं है टैगोर रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड, 24वीं आखिरी विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, इन 24 कंपनियों पर इस वक्त सीबीआई की बहुत मजबूती से पकड़ है और इन निवेशकों का पैसा दोस्तों बहुत जल्द मिलने के आसार है। जितनी 24 कंपनियां हमने आपको अभी गिनवाई हैं दोस्तों, अगर आपका पैसा इन कंपनी में है और आपने अभी तक अपनी, जी हाँ दोस्तों, कोई कंप्लेन नहीं दिया है, तो दोस्तों आप अपनी कंप्लेन को उन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके भेजे हुए कंप्लेन के आधार पर आपकी पैसे का मिलना सुनिश्चित है और आपका जो भी आपको प्रूफ वो मांगा जाएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 कंपनियों की इस वक्त जो देनदारी है सीबीआई ने